मैं दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। एक 23 साल की लड़की ने अपने सपनों को किस तरह से सच कर दिखाया, और वो भी सिर्फ एक जो मिलेट के जो प्रोडक्ट्स है उनसे। उनका नाम है पलक अरोड़ा। पलक, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। थैंक यू सो मच। पलक, मुझे बताइए कि किस तरह से आपने अपना जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं से अगर कहूँ तो, कैसे इसकी शुरुआत आपने करी और आपका जो ये ब्रांड है इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो मेरा नाम पलक अरोड़ा है, मैं सदगुरु सुपर फूड्स की फाउंडर हूँ और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ निफ्टिम से। और निफ्टिम से बीटेक करने के बाद मैंने अपना ड्रीम शुरू करना चालू किया, और अपनी फैमिली के सपोर्ट से। लॉकडाउन के टाइम में सब लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हेल्दी फूड, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड खाया जा सकता है, तो मैंने मिलेट्स के बारे में रिसर्च करी, उनके बारे में पढ़ा, उसकी स्प्राउटिंग के बेनिफिट्स देखे, कैसे वो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, कैसे वो एंटी न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस करते हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करे यूजिंग माई फैमिली सपोर्ट, और उनकी R&D करके ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करे जो अंडर 10 मिनट्स कुक हो जाते हैं। एंड अभी फ़िलहाल मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं इडली, चीला, दलिया, ये सबके मिक्सेस हैं, रेडी मिक्सेस, जो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता बट सबको पता है कि हेल्दी फूड खाना है। तो आई हैव द सोल्यूशन फॉर दिस कि हेल्दी फूड खाना है तो इट कुक्स अंडर 10 मिनट्स, यू बाय इट एंड यू स्टे हेल्दी, जस्ट स्टे फिट। एंड मिलेट्स आर सो हेल्दी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, सो इट इज़ अ वंडरफुल ग्रेन दैट वी शुड हैव। एंड हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो मिलेट्स ही खाते थे और इतना हेल्दी रहते थे, तो हमें वो वाला अपना जो लाइफस्टाइल है वो वापस लाना है और हेल्दी रहना है। अभी जैसे यहाँ पे पलक ने कहा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वहाँ पे जो मिलेट्स का वो बहुत यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे वक्त के साथ किस तरह से जो मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं, जो अनाज है, वो धीरे धीरे लोगों की थाली से जो है जाता गया। अब आप किस तरह से इसको वापस लोगों की थाली में लाने का जो है वो काम कर रही हैं? सो बेसिकली हम अभी प्रमोशंस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस मिलेट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। लोग भूल गए हैं कि मिलेट्स होते क्या हैं। लोगों से पूछो कि बाजरा क्या होता है, वो कहते हैं वो तो चिड़िया को डालते हैं। नहीं, वो चिड़िया को डालने के लिए नहीं होता है, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इतना ज़्यादा आयरन कंटेंट उसके अंदर होता है। इंडिया में इतने परसेंट लोग, 70% ऑफ द पीपल हमारे प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, एंड इतने सारी गर्ल्स एनीमिक हैं, 90% ऑफ द गर्ल्स आर एनीमिक। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट हैज़ कम। हमें ये चेंज करना है, हमें मिलेट्स को वापस लाना है, हमें इंडिया के रूट्स को और स्ट्रेंथन करना है। एंड यहाँ पे आपने बताया था कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो उसके बारे में बताइए, मतलब किस तरह से जब आपने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो उनका क्या रिएक्शन रहा? वो बहुत खुश थे, वो ऐसे बहुत खुश थे कि तुम जॉब की तरफ नहीं जा रहे हो और तुम खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इसमें। एंड इस आपका जो स्टार्टअप है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी जब मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, और अभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कमर्शियल लॉन्च रिसेंटली मैंने किया है जून 2022 में। और अभी अगर मैं पूछूं कि अभी जस्ट आपने स्टार्ट ही किया है इसको, और आने वाले समय में अब आपका का जो आगे का जो विजन है वो क्या है? मेरा विजन ये है कि ग्लोबली हर घर में मेरे प्रोडक्ट्स पहुँचे, मिलेट्स खाएं लोग, हेल्दी रहें, और मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आजकल लाइफस्टाइल ग्लोबली हर जगह में किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए आई वांट कि लोग रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स पे स्विच हों जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, नेचुरल हैं, विदाउट एनी एडिड कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर, तो वो उनको इनकॉर्पोरेट करें और जल्दी से बना के अपने डाइट में इंक्लूड कर लें उसको और हेल्दी रहें। और अभी जैसे हमारी जो सरकार है वो भी जो मिलेट्स है इसको मतलब बड़े लेवल पे इसको बढ़ावा दे रही है, तो किस तरह से ये चीज़ ना सिर्फ जो ये मिलेट्स के फूड प्रोसेसिंग के जो बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, बल्कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी, तो ये चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, फार्मर्स के लिए मिलेट्स उगाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिलेट्स ड्रॉट कंडीशंस में ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं लगता है, और वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिजुवेनेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो हम इतने सालों से वीट उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, इतने फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं कि हमारी सॉइल बहुत ख़राब हो गई है, हमारी लैंड बहुत ख़राब हो गई है, उसको रिजुवेनेट करने के लिए मिलेट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और फार्मर्स के लिए एक इनकम जनरेटिंग ग्रेन है मिलेट हमारा। मिलेट इज़ द फ्यूचर।
एंड पलक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपका जो इसका जो मार्केट है वो अभी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है sadgurusuperfoods.com, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया पर वंस अगेन मिलेट्स के नाम से, जैसे कि हम मिलेट्स को वापस ला रहे हैं इसलिए इसका यूजर नेम है वंस अगेन मिलेट्स, तो उस पे ही अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ आप एक यंगस्टर, एक फाउंडर हैं, तो जो लोग वे अपना जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो लोग फूड प्रोसेसिंग से आना चाहते हैं, से जुड़ना चाहते हैं, उनको लेकर आपकी क्या सलाह होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? गो फॉर इट, जस्ट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एंड जस्ट अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करो, एंड एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट वंस, बिकॉज एट द एंड आप बड़े होके, बड़ी जब एज में चले जाओगे तो यू शुड नॉट रिग्रेट कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। सो एटलीस्ट मिलेट प्रोडक्ट्स को, और जो भी आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो उसको आप ट्राई करो, और ज़रूर सक्सेसफुल होगे अगर आप मेहनत करते हो कंसिस्टेंटली। थैंक यू सो मच पलक फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ पलक अरोड़ा, जिन्होंने एक कम उम्र में ही अपना स्टार्टअप शुरू किया है, और अब उनका आगे का जो विजन है कि वो अपने इस प्रोडक्ट को ना सिर्फ इंडिया तक बल्कि जो वर्ल्ड तक भी ले जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर किसी और स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।